आप सभी मित्रों को इस सुबह की प्यार भरी नमस्ते फ्रेंड्स। मैं लक्ष्मी, आप सभी की मित्र देहरादून उत्तराखंड से, और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने अपने क्षेत्रों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, ये दृश्य आप देख सकते हैं, फूलों पर ये भंवरा मंडराता हुआ, सचमुच एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। और जब ये दृश्य हमारे कैमरे में कैप्चर होता है तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ। खूबसूरत ये अमरेलिस लिली के कुछ फूल यहाँ पर खिले हैं, जो कि अभी कुछ समय पूर्व ही मैंने रिपोर्ट इन्हीं किया था। उसके साथ ही पीछे देखिए, ये फ्रेंड्स जंगली गुलाब है, ये देखिए बटन रोज टाइप में ये है। तो ये मैंने कटिंग के द्वारा अपनी बागवानी में ऐड किया है। और ये देखिए काफ़ी सारे, ये बहुत सारे यहाँ पर खिले हुए हैं, जो देखने में सच में बहुत ही ये मनमोहक लग रहे हैं। और ये देखिए कुछ समय पूर्व इन सभी को मैंने फर्टिलाइज किया था, तो ये अभी आप देख सकते हैं एक साथ काफ़ी सारे गुलाब ये खिल गए हैं। तो ये देखिए, ये जंगली रोज़ है, और यहाँ पर देखिए ये मॉस रोज़ भी खिल गया है। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ये लेमन कलर के कुछ ये मेरे गुलाब है, जो कि सचमुच, और ये देखिए यहाँ पर भी ये पहुँच गया। तो सचमुच ये दृश्य बहुत ही आनंदित कर देते हैं हम सभी गार्डनर्स को फ्रेंड्स, अपनी बागवानी में जब हम ये दृश्य देखते हैं। और ये मेरा, ये देखिए, ये इस तरह का रंग है, ये देखिए गुलाबी और ऑरेंज दोनों मिक्स रंग हैं ये। तो लेकिन फ्रेंड्स, इनकी सभी की थोड़ा पंखुड़ियाँ मुझे थोड़ा सा ईशा तेज़ गर्मी की वजह से थोड़ा सा झुलसी हुई दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ समय पूर्व मैंने इन्हें पोटाश दिया था, और फ्रेंड्स गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसी कारण से इसकी पत्तियाँ थोड़ा सा हमें झुलसी हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ये सारे के सारे रोज़, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे अन्य रोज़ मेरे बागवानी में खिल रहे हैं, जो सचमुच यहाँ पर बहुत ही मन को प्रसन्न कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत लगने वाली ये लाक्सपुर के पुष्प हैं फ्रेंड्स, जो कि पिछले वर्ष मैंने अपनी बागवानी में सैपलिंग के माध्यम से मैंने ये जोड़े थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बीज स्वतः यहाँ पर मैंने निकाल करके इस गमले में मैंने डाल दिए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं बेहतरीन इसमें पौधे भी जमे हैं, और उसके बाद ये फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। शुरू किया फ्रेंड्स, अब ये ख़त्म भी होने वाली है, क्योंकि तेज़ बहुत धूप हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी खिल रहे हैं, पिटूनियास भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खिल रहे हैं, और देसी सदाबहार तो वाह बहुत ही खूबसूरत। ये इंग्लिश आईवी है, जिसमें कि पुष्प आ गया है। तो ये कटिंग के माध्यम से मैंने लगाया है। उससे आगे फ्रेंड्स, अगर मैं आती हूँ तो आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ, तो ये देखिए कद्दू के जो जो बेले हैं उनमें बहुत अच्छी बढ़त चल रही है। यहाँ पर आप देखिए ये करेले की बेल है, और यहाँ पर आज मैं ये प्याज को मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। ये फ्रेंड्स एक मैंने ये एक चावल का जो कट्टा होता है उसमें मैंने लगाया है, आप देखिए दो मैंने ऐसे ही लगाए हैं। और इस बार ये फ्रेंड्स कुछ कद्दू मेरे ये छोटे ही कंटेनर्स में हो गए हैं, तो इनको जो छोटे प्लांट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट ये शिफ्ट करूंगी मैं कहीं और। तो यहाँ पर आप देखिए मिर्ची की भी बढ़त बहुत अच्छे से शुरू हो गई है, और इनमें पुष्प के साथ फल भी बनना शुरू हो गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर टमाटर भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये देखिए। और टमाटर की तो सचमुच बहुत सारे बाहर आई हुई है, एक तरह से कहूँगी मैं, मेरी बगिया में। और यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये लौकी है, तो ये अब कौन सी लौकी है ये मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पर ये कद्दू है, तो इस कद्दू को मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी दूसरे कंटेनर में। उसके साथ ही शिमला मिर्च है, और उसके साथ ही आज मैं करने वाली हूँ आप सभी मित्रों के साथ थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत क्या कहेंगे, काफ़ी हार्वेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो हमें तो बगिया में चाहे थोड़ा भी मिले हमें बहुत लगता है। ये देखिए, ये दो टमाटर मैंने तोड़ लिए हैं, इसके साथ ही हम दूसरे टमाटर के पौधे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दो मैंने ये निकाल लिए हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर दो कबूतर रहते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। तो वो इन
टमाटरों को हो या स्ट्रॉबेरी को हो, उनको चोंच मार मार कर वो ख़राब कर देते हैं। ये देखिए, इसको भी उन्होंने चोंच मार मार कर ये देखिए पूरा ख़राब कर रखा है। तो चलिए, उन्होंने भी कहाँ से खाना है, तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ तो सही। उसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी तरफ ले चलती हूँ। तो यहाँ पर है मेरा वही टमाटर का प्लांट, जिसे फ्रेंड्स कुछ समय पूर्व आप सभी से मैंने साझा किया था कि इसमें फल नहीं बन रहे, हालांकि इसमें पत्तियां और फूलों की मात्रा अनगिनत थी, अनगिनत जिसे कहेंगे। तो इसके कुछ पत्ते मैंने कम किए हैं, उसके साथ ही इसे मैंने पोटाश मैंने दिया था, उसके बाद से इसमें आप फल देख सकते हैं, अनगिनत फल इसमें लगे हैं। ये देखिए, आपको ऊपर से नीचे तक मैं अगर दिखाऊं तो पूरे के पूरे, और यहाँ से आप देखिए, आपको मैं ये एरोप्लेन दिखाती हूँ। ये देखिए एरोप्लेन ये जा रहा है, ये देखिए, ये जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये एरोप्लेन अपनी छत से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आती हूँ अपने टॉपिक पर। तो यहाँ से ये देखिए, ये कितनी सारे, और ये अलग ही तरह का टमाटर है फ्रेंड्स, लंबा इसका साइज है और काफ़ी अच्छा टमाटर है और भिन्न वैरायटी है। तो इसको मैं अगले वर्ष के लिए ज़रूर मैं बचा कर रखूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर शिमला मिर्च है, जिसके देखिए मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ। ये देखिए, ये निकाल लेती हूँ मैं एक शिमला मिर्च, बाकी अभी छोटी हैं तो इन्हें मैं नहीं निकालूंगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लाल और पीली शिमला मिर्च भी मैंने लगाई थी, लेकिन देखते हैं लाल वाली हुई है कि नहीं। ये देखिए हुई है, ये देखिए नन्ही सी है, हालांकि यहाँ से इसे भी निकाल लेती हूँ। ये लाल शिमला मिर्च देखिए कितनी नन्ही सी है, उसके साथ ही पीली भी मैंने लगाई थी, लेकिन पीली शायद नहीं हुई है। तो अब देखिए, क्या पता और फल लग रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर ये देखिए लाल और शिमला मिर्च, ये देखिए, और ये भी, ये देखिए कुछ एक तरफ से ये खाई हुई है। तो मुझे अभी इसमें कुछ दिन पूर्व मैंने नीम ऑयल का स्प्रे मैंने किया था, लेकिन मुझे फिर से नीम ऑयल इसमें स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर टमाटर में कुछ कीड़े ने छेद किया हुआ, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ छेद किया हुआ मुझे दिख रहा है, इस तरह से सारे फलों को ख़राब कर देगा। तो नीम ऑयल का स्प्रे इन सभी में अवश्य मुझे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये और मैं देखती हूँ, यहाँ पर शिमला मिर्च लगी है तो उनको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखते हैं, ये देखिए एक और मैंने निकाल ली, ये मैंने रख दी है। तो उसके साथ ही फ्रेंड्स, बाकी शिमला मिर्च में अभी फूल भी बन रहे हैं और नन्हे नन्हे से फल भी हैं, तो उनको अभी रहने देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि और क्या लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और टमाटर, ये फ्रेंड्स यहाँ पर तीन टमाटर के प्लांट मेरे लगे हैं, और आप देख सकते हैं तीनों में ही इतनी बढ़िया फ्रूटिंग हो गई है शुरू। उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये चौलाई है, चौलाई का साग जिसे कहते हैं, हम इसे भुज्जी कहते हैं, चौलाई की सब्ज़ी, और बनने के बाद इसे भुज्जी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये मेरी यहाँ से मैंने निकाल लिया है, और अभी सुबह, ये आज सुबह का वीडियो है फ्रेंड्स, सुबह 8:30 बजे का ये समय था। तो यहाँ पर ये चौलाई के कुछ और पत्ते मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, ये देखिए। और चौलाई तो मुझे बेहद पसंद है, और चौलाई के साथ ही फ्रेंड्स जो कद्दू के पत्ते होते हैं वो भी बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, मुझे बेहद ही पसंद है। ये देखिए, इस तरह से चौलाई भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए चौलाई भी फ्रेंड्स भिंडी के बीच में भी काफ़ी सारी लगी है, तो इनको निकालते रहना ठीक रहता है, आगे और पौधों की बढ़त में फिर ये ज़्यादा बाधा नहीं डालते हैं। तो ये देखिए, ये निकाल दिया मैंने ये चौलाई, ये देखिए ये टमाटर हैं और कुछ चौलाई, और उसके अलावा भी चौलाई और लगी है, उनको भी मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये फ्रेंड्स वही भिंडी का कंटेनर है जिसमें कि मेरी जो लाल वाली भिंडी है वो लगी हुई है, ये देखिए। और इसमें भी देखिए, नीम ऑयल फिर भी स्प्रे किया था, लेकिन फिर भी इसमें ये कीड़े का अटैक हुआ है। देखिए पत्तियों में किस तरह से छेद उन्होंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ से भी सारी चौलाई में निकाल लूंगी।
और फ्रेंड्स इसके बीच में काफ़ी सारे कॉस्मॉस के जो प्लांट्स हैं वो खुद ही ये उगाए हैं, तो इन सभी को भी मैं सेपरेट कर दूंगी। कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ अभी करने बाकी हैं, तो मिट्टी की कमी है थोड़ा, तो इस वजह से इन सभी को मैं रिपॉट कर दूंगी, क्योंकि अन्यथा ये इन भिंडी के पौधों का सारा सारा पोषण ये ले लेंगे जो भी हम इन्हें देंगे, तो इसीलिए इनको निकालना सही है यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हम ये बैंगन के प्लांट्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं, जिसमें कि लंबे वाले काले बैंगन है, हरे बैंगन है लंबे वाले, और गोल वाले भरते वाले बैंगन भी हैं। तो ये देखिए इन सभी को भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए टमाटर चौलाई और उसके साथ ही ये गोल वाला बैंगन मैं निकाल रही हूँ, तो गोल वाले बैंगन भी यहाँ पर 5 से 6 लगे हैं, और ये हरे वाले लंबे बैंगन हैं, ये देखिए इनको भी मैंने निकाल लिया है, और काफ़ी सारे ये यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये और वाले जो लंबे वाले बैंगन हैं और जो गोल हैं, इन सभी को भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करना इन्हें उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर इनमें बीज बन जाते हैं, और कुछ बैंगन इसमें से अंदर पानी सा भी भर गया है, और ये बड़ी मुझे सावधानी से निकालने पड़ेंगे क्योंकि इनमें कांटे भी हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये सारे बैंगन निकाल कर मैं आपसे मिलती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इतने बैंगन मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, ये देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी ये कुछ गोल वाली मैंने लाल जो मूली होती है उनको मैंने लगाया था, कुछ आपके साथ मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ ये रह गई थी, तो अब फ्रेंड्स ये काफ़ी सूखने सी लगी हैं, तो इनको निकालना ही उचित होगा, क्योंकि फ्रेंड्स धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो अब ये अच्छी उतनी नहीं रह गई हैं। तो ये देखिए ये इतनी मैंने मूली भी निकाल ली, उसके साथ ही यहाँ पर ये प्याज है, जो कि घर में ही प्याज के पत्ते जिनके निकल आते हैं उनको मैंने इसमें लगा दिया था, तो ये देखिए ये प्याज। और इससे आगे मैं चलती हूँ तो यहाँ पर मैंने एक चावल के जो कट्टा होता है उसमें भी मैंने प्याज काफ़ी सारा लगाया था, कद्दू की बेल के किनारे किनारे मैंने लगा दिया था, तो इन सभी को भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आपके घर में अगर प्याज के इस तरह से अंकुरण उनमें होने लगे तो उनको आप इस तरह से मिट्टी में डाल देंगे, तो इस तरीके से इसकी ये सब्जी बनाती है। तो इसके बाद मेरी हार्वेस्टिंग की तरफ आप नज़र दौड़ाएं तो फ्रेंड्स कितना कुछ मुझे यहाँ से मिल गया है। तो फ्रेंड्स ये होता है अपनी मेहनत का फल, और फ्रेंड्स मैं कितनी मेहनत करती हूँ ये मुझे ही पता है, और आप सभी मित्र भी कितनी मेहनत करते हैं ये आप सभी को ही पता है। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत से प्राप्त की हुई ये हार्वेस्टिंग अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई शेयरिंग के साथ मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का।